जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। एक मतबा फिर ईद का तीसरा रोज आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त हमें हमारी नई मेहमान ज्वाइन कर चुकी हैं, रबिया मिन्हाज साहिबा। ना सिर्फ मॉडल हैं बल्कि बहुत खूबसूरत जो है वो गुलशारा भी हैं। रबिया, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहला सवाल, जब आप एंटर हुई हैं तो हम सब ने माशाल्लाह बोला कि आप बहुत हसीन हैं, तो इस खूबसूरती का राज क्या है? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और खूबसूरती का राज क्या बताऊँ, बस यही, हमेशा खुश रहती हूँ और पॉजिटिव रहना, हसद से दूर रहती हूँ। अरे ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको कोई अच्छा लगे तो कोई है जो कहे कि आप खूबसूरत लग रही है, ये भी एक पॉजिटिव माइंड में। हाँ, बहुत कम लोग तारीफ करते भी जाते हैं, खवातीन में खास तौर पे। अच्छा, ये बहुत इशू है तारीफ नहीं करनी। और अगर आजकल तो ये किसी को देख लिया है कि ये स्मार्ट है, वो अंदर ही अंदर तारीफ से ज्यादा उनको अपना वो कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। मैं समझती हूं, मैं हमेशा तारीफ में बहुत खुल के करती हूं। ये आप अपना नुकसान कर रहे हो, इसलिए जो अच्छा लग रहा है उसकी तारीफ करो यार, करनी चाहिए, इसका हक बनता है कि वो प्यारा लग रहा है तो उसकी तारीफ की जाए। जैसे जब भी सादिया साहिबा मुझे मिलती है तो मुझे श्रीदेवी के मुझे प्यारी बिलीव करो, श्रीदेवी ने आपने सब थैंक यू सो मच। रबिया साहिबा, आपने मॉडलिंग भी और सिंगिंग भी साथ कंटिन्यू किया, तो आपने आगाज कैसे किया करियर का? आगाज मैंने एज अ ब्यूटिशियन लिया था। अच्छा, ये बड़ा मरहले मैं तय करके यहाँ तक आई हूँ, मतलब ये बड़ी एक लंबी है कि ब्यूटिशियन, उसके बाद मैं एक कंपनी के साथ मुंसलिक हुई थी, इवेंट्स करवाने शुरू किए हम लोगों ने, मीडिया कॉन्सेप्ट के नाम से वो कंपनी है, और उसके बाद मेरा डिज़ाइनिंग की तरफ रुझान हो गया और डिज़ाइनिंग का मैंने किया, ड्रेस डिज़ाइनिंग का। उसके बाद फिर पिफा एक है, एसोसिएशन है, उनकी एज अ चेयरपर्सन मैं लीड कर रही हूँ, और अब आके सिंगिंग की तरफ। तो सिंगिंग बाय बर्थ ही आप, अच्छा सुर अच्छे हो तो फिर कोई आता है? तो देखिए, होना चाहिए ना, बाय बर्थ तो होना चाहिए, अगर बाय बर्थ ही नहीं होगी, आवाज ही नहीं होगी तो आप। और मैंने रबिया को सुना है, बहुत अच्छा गाना। नहीं, और मैं तो कि सिंगिंग तो है ही गॉड गिफ्ट। चले जी, रबिया साहिबा सुना क्या रही है हमें आप? अरे वाह, ईद वाले दिन गाना। हाँ, तो ईद वाले दिन ही तो गाना। अच्छा, आज ऐसे वैसे फिर वही बात होगी, अक्सर आके कहते हैं कि मेरे सीरे से मेरे गले में बहुत पेन है, तो मिलके गाते हैं। मिलके गाते हैं, चले डन हो गए, शुरू करिए। कौन सा गाना सुना रहे हैं आप जो? हाँ बताएं, अपनी पसंद बताएं। तुम तो सभी कुछ अच्छा गाती हो, जो भी सुना दो हम तुम्हारे साथ मिलके गाएं। मैडम नूरजहान का, हाँ ये तो क्या बात है, डन। मैडम से आगे भी कोई है कि तुम बात गाओ? तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु कैदा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु कैदा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। वैसे ये हकीकत भी है कि जब दिल दे दिया तो फिर दुनिया से क्या डरना, ये तो है। प्यार किया तो डरना क्या, मोहब्बत करी वो लोग सकते हैं जो ना डर होते, ना डर होते, लोगों का काम ही नहीं। ससी माई बाल का सुने वो पूरा दरिया जो एक मटके के साथ तैरती थी, है किसी आम औरत का कि रात के अंधेरे में उस दरिया को मटका पकड़ के तैयार करना, वो दरिया दरिया देके भाग जाती, मोहब्बत करवाती है, वो भी हकीकी इश्क, बिल्कुल इश्क हकीकी, जिसमें कोई लालच ना हो, लस्ट ना हो, हवस ना हो, सही ये जो इश्क हकीकी है वो आपको ना डर बनाता है। लेकिन आजकल ये चीजें बहुत कम हो चुकी हुई है, आजकल तो इश्क नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं समझती हूँ जैसे लोग जो लोग अल्लाह से इश्क करते हैं और क्या कारनामे अंजाम देते हैं, बिल्कुल, और इश्क वो भी है जो खुदा से किया जाता है, हकीकी वो होता ही, वो होता ही वो, और इश्क वो भी है जो आप अपने माँ बाप से करते हैं, बिल्कुल, आप अपने औलाद से भी करते हैं। एक और गाना सुनेंगे रबिया मिन्हाज से। रबिया क्या सुनाएंगे अब हमें आप? मैं जी, मैंने एक सॉन्ग रेडी किया था, नुसरत फतेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश किया था, तो आज मैं आज यही आपकी नजर पेश करती हूँ। जी ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिख।
ज्वाइन कर चुकी हैं उनैजा साहिबा की बेटी हैं और ये मैसेज है कि जो खवातीन एमपीए की सीट पर बराजमान हो या एमएनए की सीट पर बराजमान हो उनके लिए कितना मुश्किल है, अपनी स्टेट को भी वो संभालती हैं, ना सिर्फ अपनी स्टेट को, अपने प्रोविंस को, अपने घर को भी संभालना उन्होंने जरूरी है। तो नैना साहिबा ये कैसे मैनेज करती हैं और ये चीज मुझे बताइए कि असेंबली हो गई, दफातर हो गए, प्राइवेट है या गवर्नमेंट के, वो नर्सरी नहीं है लेकिन माँ तो हम हैं। इस पे मदिया मैं ऐड कर दूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक माँ को बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसके पेश नज़र इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी बहुत जल्दी आपको पंजाब असेंबली में भी एक बेबी सिटिंग का अलहदा पूरा एक माशाल्लाह यूनिट नजर आएगा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब जाती थी, एक बच्चा गोद में उठाया हुआ, एक को हाथ में पढ़ा रही है। मैंने उनका एक बीबीसी में इंटरव्यू देखा जिसमें वो इंटरव्यू भी दे रही थी, साथ साथ बिलावल को होमवर्क करवा रही थी। ठीक है, और मैं ये कहना चाह रही थी कि बैन अल-अक़वामी सतह पर बहुत सी पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं और मैंने एक कंट्री की, मुझे अभी कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर उनका कोई तीन चार माह का बेबी है और वो सारी प्रोसीडिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने बेबी को अपने लैप पर रख के और फिर वो करती हैं। ये खूबसूरती है एक माँ की, वो माँ पाकिस्तानी है, आप माँ पहले हैं और उसके बाद सब कुछ है। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो रहा है और यहाँ पे हम आपको अलविदा कहते हैं और ईद भी है वो भी जा चुकी है। हम अपने प्रोग्राम का जो अलविदाई सेशन है वो ऐसे नहीं करेंगे, हम जो है वो रबिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो क्लोजिंग है वो उसको चार चांद लगाने हैं और लॉन्ग लैची जो आपका सॉन्ग है वो मेरी आज ख्वाहिश है कि हमें सुनाए और नाज़रीन से हम इजाजत चाहेंगे इस गाने के साथ। आप अपने ईद को जो इसी तरह से खूबसूरत जिस तरह से मना रहे हैं, हमारी दुआ है कि आपका पूरा साल इसी खुशी के साथ गुजरे। अल्लाह हाफिज़, ओवर टू रबिया। ओके okay.